हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद व्लॉग डाल रहा हूँ मैं आज, मतलब लगभग 3-4 महीने हो गए शायद से। क्योंकि क्या हुआ था ना, गोवा गए उसके बाद मेरा कैमरा, ये मोबाइल जो लिया था मैंने, ये एप्पल का, उसका आवाज़ आ नहीं रहा था। और दूसरी बात मेरा जो गोप्रो था वो पता नहीं उसको क्या हो गया था, इसके लिए मैं गोवा लेके गया नहीं। और बाद में काम का थोड़ा सा, काम में बिजी था तो सोचा चलो आज, बहुत दिनों से चल रहा था दिमाग में कि व्लॉग डालूँ पर कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था। और आज कैमरा फाइनली उठा लिया मैंने हाथ में और बोला कि नहीं, बहुत दिन हो गया, अभी उठाना पड़ेगा कैमरा और चालू करना पड़ेगा अपना व्लॉग। तो पिछले वीक में क्या हुआ था कि कैमरा का भी इशू था, मोबाइल भी रिपेयर करके लाया आईफोन, पता नहीं क्या, मतलब 6 महीने भी क्या हो गया इसको पता नहीं। और दूसरी बात वो गोप्रो तो इधर तो नासिक में हुआ नहीं, तो मुझे मुंबई जाना पड़ा। तो वो मैंने आपको बताया नहीं कि मैं मुंबई गया था, तो ट्रेन से गया था इस बार, बाइक से भी नहीं गया और कार से भी नहीं गया, तो सीधा ट्रेन से गए। 1 घंटे का काम था, वहाँ से रिपेयर करके वापस चले आए नासिक, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ मैं। तो मैं आज उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला आपके सामने, और अगले कुछ नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक अलग टॉपिक पे अपन वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप ज़रूर लगे रहिए, देखते रहिए मेरा आगे वाले वीडियो। और दूसरी बात तो शायद से मैं वो मराठी में करने वाला हूँ व्लॉग, क्योंकि बहुत मेरे दोस्त लोग, मेरे घर वाले बोलते हैं कि मराठी में करते जा व्लॉग, तो बोला ठीक है वो भी ट्राई करके देखते हैं। तो चलो अभी जाते हैं अपन घर में और अपन अनबॉक्सिंग करते और दिखाता हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या परचेस किया है। करते हैं लाइट ऑन, ये रहा हमारा रूम। और अभी ये सब चीज़ें लेके आया हूँ मैं वहाँ से, मुंबई से, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने लाइट बल्ब चेंज करी है येल्लो, इसमें करके टाइप होते हैं एक, देखो ये गोल्डन है, आपको पीछे दिख रहा होगा ये गोल्डन है और मेरे फेस पे भी दिख रहा होगा, और ये दूसरा पूरा वाइट, और ये थोड़ा सा नॉर्मल गोल्डन, और ये पूरा गोल्डन। तो चलिए देखते हैं अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलो लेते हैं सामान यहाँ पे रखता हूँ पहले। ये एक, ये दो, और ये सारा सामान। तो ये सारा सामान मैंने लेके आया था मुंबई से। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, सबसे पहले तो मेरा गोप्रो का क्या प्रॉब्लम हुआ था वो बताता हूँ मैं आपको। तो इसका है ना, ये टूट गया था, रुको एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले अपन जो हेलमेट को लगाते जे माउंट, वो टूट गया था, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब टूट गया था। और मैंने फिर बाद में बोला जाने दो नहीं क्या, जब जाएंगे मुंबई तो ले लेंगे। और दूसरा इसका आवाज़ नहीं आ रहा था, तो इसको रिपेयर करके लाया हूँ मैं, अभी देखते हैं आवाज़ आता है कि नहीं। और इसका माउंट भी लेके आया हूँ साथ में। और दूसरी बात, एक नया मैंने गिम्बल खरीदा है, ये वाला, तो ये बहुत भारी, जैसे मैंने पूछा है देखो कैसे भी फोल्ड होता है ये कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं अपन इसको, और इसका पैरेशबिलिटी भी अच्छा है, तो ऐसे अपन इसको रख सकते हैं, मतलब कहीं पे अपन जाते अकेला शूट करना होगा तो यहाँ पे ऐसे रख के अपन कहीं पे भी कैमरा सेट कर सकते हैं। और शुरू में तो मैंने देखा कि मेरे को हो नहीं रहा था, ये माउंट नहीं मिल रहा था बॉक्स में, तो मिला ये, इसको एयरपो आपको दिखा दो, इसको ऐसे अटैच करने का, इसमें जो स्क्रू है इसमें डालने का, तो ऐसे वो हो जाता है, दिखाता हूँ मैं आपको रुको। तो ये हो गया अपना कैमरा सेटअप, तो उसके देखो ये हाथ में भी पकड़ सकते हैं ऐसे अपन और शूट कर सकते हैं कैसे भी अपन। तो ये हुआ इसका, इसको इसके और एक खास बात क्या है पता है क्या, तो इसको अपन है ना अपना सोनी का जो कैमरा रहता है वो भी लगा सकते हैं,
DSLR कुछ भी लगा सकते हैं इसको, कुछ भी अटैच कर सकते हैं, इतना मतलब ये हेवी वेट उठा सकते हैं इसको। और दूसरा लिया था मैंने ये बोया का माइक, बोला दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी मैं दो एक्स्ट्रा लेके आया हूँ। तो इसको अनबॉक्सिंग करते पहले, तो वैसे दुकान में किया था पर अभी वीडियो के लिए आपके लिए कर रहा हूँ मैं। और इसकी वायर देखो, देख सकते हो आप कितनी बड़ी वायर है, मतलब कम से कम 3-4 मीटर वायर रहेगी इसकी, मतलब कहीं पे भी मतलब कैमरा लगा दो और कम से कम 5-10 फीट तक अपन बात कर सकते हैं, क्लियरली आ सकते हैं। तो इसके और एक खासियत ये है कि इसको अपन बैटरी डाल के चार्ज कर सकते हैं, और उसकी साउंड क्वालिटी मैंने देखी भाई खतरनाक है, एकदम सच में ज़बरदस्त क्लैरिटी। तो ये है ना, यहाँ पे देखो ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी यहाँ पे, तो ऐसा चेंज कर सकते हैं अपन इसको। तो ठीक है, देखते हैं अभी आगे वाले वीडियो में आपको समझेगा ही, और जो अपन नया कंटेंट करने वाले तो उसमें तो आपको समझेगा ही कि क्या भाई ने क्या लेके आया मुंबई से। तो ये सब बात है। और दूसरा और एक एक्स्ट्रा मैंने लाया था, ये करीब करम 800 या 1200 रुपये का था बोया का, और ये लोकल वाला भी लेके आया हमें हेलमेट के लिए। तो इसके और इसके कंपेरिजन आप देख लीजिए, ये देखो इसके वायर देखो, पर ये हेलमेट के लिए ठीक है, ये देखो इतनी से वायर है, और इसकी वायर देखिए आप, ठीक है क्वालिटी, थोड़ा सा पैसे देंगे तो क्वालिटी भी तो आएगी। तो ऐसा वाला सीन है, ये दो चीज़ें मैंने ली, और ये एक नंबर गिम्बल, और तीसरी जो चीज़ ली थी मैंने तो आपको दिखाता हूँ मैं, वो सबसे मज़ेदार चीज़ है सच में, मेरे को बहुत दिनों से लेनी थी। ये सब पहले हटा देता हूँ क्योंकि ना मेरा कुछ पता नहीं कहीं पे पैर लग गया, समझ गया टूट गया सामान, बहुत चीज़ें टूट जाती हैं मेरे से। और इसको खोलते हैं, इसको अभी मैंने चालू नहीं किया, यहाँ से ला के लाया तब से, तो ये देखिए भाई साहब हमने लाया है रिंग लाइट, ये देखिए तो ये रिंग लाइट है। और देखो ये मुंबई से ट्रेन में गए थे हम, तो इसको पकड़ने के लिए एक हाथ में ये बैग थैला और एक हाथ में ये, तो ये से पीठ पे टंगाने के लिए मैं इसको बांध के लिया उधर से, और ये भी अपना बैग जोन से लिया है अपने रशीद भाई के पास से। तो अभी इसको भी खोलते हैं, ये बहुत काफ़ी लंबा है, बड़ा है देखो, देखो कितना बड़ा है देखो, इसको हटा दे आपको समझेगा फिर कितना बड़ा है। इसको अभी अपन चालू करके देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, हाँ ऐसा लगता हूँ मेरा मुंह थोड़ा सा कम आएगा, पर ये दिखाना ज़रूरी है। इसकी हाइट अपन अपने को जितना चाहिए उतना कर सकते हैं इसको। और दूसरा ये है ऐसे, ये देखो ऐसे इसको कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, मतलब अपने जो अपने हिसाब से, क्योंकि अपने को जितना हाइट चाहिए उतना कर सकते हैं अपन, ये देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे जैसे ऊपर करेंगे वैसे वैसे हाइट बढ़ेगा इसका, ये देखो। तो इसको अभी लगाते हैं, और इसको है ना अपने जितना हाइट चाहिए, उसके बाद ये इधर बटन है, ये देखो ये बटन, तो इसको लॉक कर देने का, तो ऐसे होगा ये कैमरा नहीं इसका सेटिंग, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं लाइट के लिए, और अभी निकलते हैं रिंग लाइट। इस बैग में पैक करके दिया इन्होंने, तो निकलते देखो गिर गए, एक तो गिर गए, ऐसे वाले सीन है मेरे, गड़बड़ सर। ये अपनी रिंग लाइट है, लगाने के बाद और इसका मज़ा आएगा। और इसके साथ आता है बैग में तो कुछ नहीं, इसके साथ अभी दिखाता हूँ क्या क्या आता है, इतना सारा सामान है। ये एडाप्टर है, ये थोड़ी देर चार्ज रह सकता है इसके लिए ये। और तीसरा है ये मिरर, मतलब अपन जैसे भी शूट करते तो इसको लगा सकते अपन कहीं पे भी, और अपना फेस देख सकते कि कैसा अपन शूट कर रहे हैं, कैसे लगाते थे नहीं कोई पर दिया है उन्होंने, किसी को दिक्कत होती है तो। और ये मोबाइल के लिए,
मोबाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे लगा रही है इसको, तो ऐसे अपन इसको लगा सकते हैं यहाँ पे। पर अभी इसकी अपने को ज़रूरत नहीं, अपने पास गोप्रो है तो उसी से काम चलेंगे अपन, मोबाइल की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं। तो ये सिर्फ ऐसा निकालना होता है, ये सिर्फ इसको इसका नट लूज़ करो और हल्के से निकाल लो इसको। और अभी देखते हैं इसका कमाल। सबसे पहले तो ये देखो, अभी दोनों ट्यूबलाइट तो मैंने बंद करके रखी है और इसका कितना मस्त लाइट आ रहा है। तो देखो अभी चालू करता हूँ इसको मैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसा इफेक्ट देता है ये। तो अभी चालू करने जाता हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। तो देखो कितना फ़र्क है, अभी सॉरी पैर लग गया। तो ये सब डिफरेंस है इतने, ये वाइट वाला, इसमें 4-5 टाइप आते हैं कलर के भी, मतलब कलर मतलब लाइट के, तो अपन उसको चेंज कर सकते हैं। वो मैं बाद में दिखाऊंगा कहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा वो। तो फिलहाल तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कैसे कैसे मोड है इसमें लाइट के। ये पूरा वाइट है, फुल वाइट। ये थोड़ा सा नॉर्मल सॉफ्ट हो जाता है, मतलब आग को नहीं लगता इतना ज़्यादा वो। और दूसरा ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप ये बैटरी है, मतलब ये लाइट है। और अभी जो लास्ट वाला स्टेप रहेगा वो पूरा गोल्डन रहेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, तो ये 4 इसके टाइप्स है कलर लाइट के। और आगे वाले वीडियो में तो आपको सच में मज़ा आने वाला है, और देखते हैं अपन, आप सच में जुड़े रहिए क्योंकि इस बार अपन कुछ नया ट्राई करने वाले, और ऐसे भी नहीं, और तब ये लाइट काम में आने वाली सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात, रोड ट्रिप का तो मैंने सोचा था, तो बहुत से प्लान हुए थे बीच में, तो काम की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना ऐसे कुछ नए नए अलग आपको भी सीखने को मिलेगा आपको भी। तो देखो मैंने ये माउंट लगाया था मोबाइल के लिए, तो अपन कैमरे वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ऑन ऑफ के लिए। देखिए बंद हो गया अभी चालू हो गया। और दूसरा अपन इसमें कहीं अभी उसको लेके जाना रहेगा तो इधर बैटरी भी डाल सकते हैं यहाँ पे सोनी का, और यहाँ पे भी बैटरी डाल सकते हैं। तो ऐसा ये अटैचमेंट है इसका, ऐसे अटैच करके इसको लगा सकते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे दिखता है ये। तो ये बेसिकली ऐसे दिखता है। तो सच में आप बताओ मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये पेंट करते मिलते हैं अगले मस्त भारी एकदम मज़ेदार वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़ और जय महाराष्ट्र।